बहुत ज्यादा है और मैं मजीद आपसे ज्यादा वक्त लेना चाहूंगा। बेहद अदब से इस्तकबाल कीजिएगा शाह महमूद साहब के साहबजादे के लिए तशरीफ ला रहे हैं ऑनरेबल मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब के लिए भरपूर ताली आपकी। जैन हुसैन कुरैशी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब का साहबजादा ज़रूर हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि मैं शाह महमूद कुरैशी का साहबजादा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, साउथ पंजाब का, और एक कौमी असम्बली का मेंबर भी हूँ। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए नहायत ही काबिल एहतराम जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनाब मलिक आमिर डोगर साहब, जनाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, जनाब हाजी जवेद अख्तर अंसारी साहब, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग्स की पाकिस्तान की प्रेसिडेंट कमल शौकत साहिबा, जनाब जरताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब विमेन विंग्स प्रेसिडेंट, जनाब महरीन अफरीदी साहिबा, साहिबा खालिद साहिबा, परवेशा अब्बासी साहिबा, फरखंदा कोकब साहिबा, डॉक्टर रुबीना अख्तर साहिबा, सादिया भुट्टा साहिबा, जहीन कबल साहिबा, नजमा खातून साहिबा, साजिदा भुट्टा साहिबा, मुख्तारा बीबी, और आज की इस तकरीब नसीम अख्तर साहिबा, और आज की इस तकरीब की हमारी मेहजबान, और जिन्होंने मलिक आमिर डोगर साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया और मैं भी इस बात का एतराफ़ करना चाहूँगा कि इनकी अनथक मेहनत, ना इन्होंने गर्मी देखी, ना इन्होंने धूप देखी, ना इन्होंने मौसम देखा, जहां बल्कि बारिश तक में मैंने इनको कैंपेन करते देखा है, और इन्होंने जो खूबसूरत आज ये समा बांधा है, मैं अपने दिल की अता गहराइयों से कुर्बान फातिमा साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जितनी भी मेरी माएँ और बहनें आज इस पंडाल में तशरीफ़ फरमा है, अस्सलाम अलैकुम। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप दोपहर 1 बजे से यहाँ पर बैठी हैं और आप अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़ कर आई हैं, कोई अपने बच्चे छोड़ के आया है, कोई अपना काम छोड़ के आया है, 100 किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, लेकिन आज आप इमरान खान और इमरान खान के नज़रे की खातिर और पीपी 217 में उस नज़रे को जिताने की खातिर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए दो बातें करके आपसे इजाज़त लूँगा। पहली बात तो ये कि ये 17 तारीख को जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, ये क्यों होने जा रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। 17 तारीख को जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जिस शख्स को इस हलके से 2018 में मुंतखब करके सूबाई असम्बली भेजा गया आपका नुमाइंदा बना के, कि वो आपके हकूक की जंग लड़ेगा, वो आपकी तरक्की के लिए, तामीर और तरक्की के लिए काम करेगा, उस शख्स ने जो कहने को तो अपने आप को इमरान खान का सिपाही कहता था, लिखवाने को अपने घर को इंसाफ हाउस लिखवाता था, लगवाने को तस्वीर अपनी इमरान खान के साथ मुल्तान के हर चौक पर लगाता था, लेकिन जब वक्त आया तो उसने ना सिर्फ इमरान खान को धोखा दिया, ना सिर्फ उसकी जमात को धोखा दिया, ना सिर्फ उसके नजरिए को धोखा दिया, बल्कि जो सबसे बड़ा धोखा है वो इसने पीपी 217 की आवाम से किया। अपना वोट बेचा, अपना जमीर बेचा, अपनी वफादारी बदली, और उस वफादारी बदलने की सूरत में आपने और मैंने नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको डिसीट किया। अब इन 20 लोगों के डिसीट होने की वजह से इन 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। तो मैं इसलिए लोगों को अक्सर कहा करता हूं कि ये कोई आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। आम ज़िमनी इलेक्शन में हम वोट कास्ट करते हैं एक उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए, हम वोट कास्ट करते हैं किसी एक जमात के बयानिए को कामयाब करने के लिए। इस आने वाली 17 तारीख को जो आपने अपना वोट कास्ट करना है, उससे सिर्फ एक MPA का इंतखाब नहीं होना,
आपने आने वाली 17 तारीख को अपनी पर्ची के जरिए इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। फैसला आपने ये करना है कि क्या हम हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए निकले हैं, क्या हम एक खुद मुख्तार और बावकार पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, या फिर हम पाकिस्तान इन्हीं चोरों और लुटेरों के हाथ में दे देंगे। फिर हम इन्हीं लोगों को जिन्होंने अपने जाती मफाद के लिए अपना ज़मीर बेचा, जिन्होंने जाती मफाद के लिए अपना वोट बेचा, फिर उनके हाथों में पाकिस्तान को दे देंगे ताकि वो इस पाकिस्तान को लूटें, ताकि वो इस पाकिस्तान को बर्बाद करें और हमारे हालात को बद से बदतर करें। अब मैं आपको महंगाई की क्या दास्तान सुनाऊं? मुझसे बेहतर आप जानते हैं जो रोज बाजार जाकर चीनी भी खरीदते हैं, आटा भी खरीदते हैं, दाल भी खरीदते हैं, अपने घरों का बिजली का बिल भी देते हैं, गैस का बिल भी देते हैं, पेट्रोल भी डलवाते हैं, डीजल भी डलवाते हैं। तो ये हालात इन्होंने जो पिछले 2.5 माह में बना दिए, ये तो वो लोग थे जो कहा करते थे कि हम महंगाई ख़त्म करने आए हैं, महंगाई मिटाने आए हैं। इन्होंने अगर इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई तो उसकी बुनियाद महंगाई को बनाया। अब आपको पता है कि इमरान खान की 3 साल 8 महीने की हुकूमत एक तरफ और इनकी 2.5 महीने की हुकूमत एक तरफ, इन्होंने इस 2.5 महीने में जो महंगाई की है, इस महंगाई का की मिसाल माजी करीब में कम अज़ कम इस मुल्क में नहीं मिली। और वो इसलिए कि इनका मकसद इकतदार में आना अपने करप्शन बचाना था, इनका मकसद इकतदार में आना अपने कैसे ख़त्म करना था, इनका मकसद इकतदार में आना इस इकतदार से चिपका रहना था। और इन्होंने उसी चीज़ को तरजीह देते हुए पाकिस्तान का सौदा किया, पाकिस्तान के मईशत का सौदा किया, अमेरिका के आगे घुटने टेके, IMF के आगे घुटने टेके, और आए दिन महंगाई में इजाफा करते जा रहे हैं और अपनी कुर्सी को बचवाते जा रहे हैं। तो अब फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। पाकिस्तान की आवाम ये फैसला आम इंतखाबात में करेगी, फैसला PP 217 की आवाम ने करना है। आपने 17 जुलाई को फैसला करना है और फैसला ये है कि क्या हम एक आज़ाद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या हम इन लोटों और लुटेरों को इस मुल्क को ऊपर मुसलत रखना चाहते हैं। ये फैसला आप करेंगे। जिसने ये फैसला कर लिया कि हमने इस मुल्क को बचाना है, हमने इंशाल्लाह इमरान खान को वापस लाना है, हमने इन लोटों को और लुटेरों को भगाना है, वो इंशाल्लाह 17 तारीख को बल्ले के निशान पर मोहर लगाएगा। ये इलेक्शन मेरी जात का इलेक्शन नहीं है। ये वोट मैंने आपसे अपनी जात के लिए नहीं मांगा। अल्लाह ताला की करम से और NA 157 के अवाम की मेहरबानी से मुझे 2018 में 157 के अवाम ने कौमी असम्बली का मेंबर इलेक्ट किया। मैं अगर PP 217 में इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो MPA बनने के लिए नहीं लड़ रहा। मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी, मैं आज भी कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। मुझे अगर इमरान खान ने PP 217 में भेजा है तो अपने नजरिए के दिफा के लिए भेजा है, आपके हकूक के लिए लड़ने के लिए भेजा है, इस मुल्क के नौजवान के मुस्तकबिल के लिए लड़ने के लिए भेजा है, इस मुल्क के गरीब के लड़ने के लिए भेजा है। और इस लड़ाई में आपने हमारा साथ देना है। इस लड़ाई में आपने 17 तारीख को बल्ले के निशान पर मोहर लगा के साबित करना है कि हम कल भी इमरान खान और उसके नजरिए के साथ खड़े थे, हम आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और 17 तारीख को बल्ले पे मोहर लगा के इमरान खान का साथ दे। मैं अपनी बात आखिरी बात और जो सबसे अहम बात है वो करके आपसे इजाजत देने लगा हूँ। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि ख्वातीन जो कि इस मुल्क की निस आबादी से ज़्यादा हैं को हमने इस मुल्क में सियासी अमल से बाहर रखा है और अक्सर औकात में ख्वातीन जो है वो इतना एक्टिवली सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि वोट कास्ट करने में भी इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती। और अगर आप अदादो शुमार देखें तो आपको पता लगेगा कि जितना वोट है ख्वातीन का पाकिस्तान में वो कास्ट नहीं होता। लेकिन मुझे खुशी है आज ये कहते हुए कि इस PP 217 में जितनी मैंने कैंपेन की है और मैं एक एक UC में, एक एक वार्ड में, एक एक गली में फिरा हूँ, मैंने देखा है कि PP 217 की ख्वातीन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया है, इतना बेदार कर दिया इस कौम को कि हमारी माएँ और हमारी बहनें भी इस हलके में एक्टिवली कैंपेन कर रही हैं, इस हलके में बहुत ज़्यादा सियासी शऊर रखती हैं। और मैं इसलिए आज आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि 17 तारीख को आपने अपना रोल अदा करना है। ये इलेक्शन एक MPA की सीट का इलेक्शन नहीं है,
ये इलेक्शन जैन को एमपीए बनाने का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इमरान खान के नजरिए का भी सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इस मुल्क के दिफा का है, इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने का है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने का है। और अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, अगर उनका मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाना है, तो फिर सतारा को आपको निकल कर बल्ले के निशान पर मोहर लगानी होगी। मैं इसी गुजारिश के साथ एक और गुजारिश करके इजाजत दे रहा हूं। आपके इल्म में है कि कल इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद मुल्तान तशरीफ ला रहे हैं और उनका जलसा कल कासिम बाग में शाम लाग के ग्राउंड में हो रहा है। जैसे कि हमने हमेशा मुल्तान के जलसों में ख्वातीन के लिए अलहदा इंक्लोजर बनाया है, जो 20 मई को आपने जलसा अटेंड किया था केला कोला कासिम बाग में, उसमें भी ख्वातीन का इंक्लोजर था, इस मरतबा भी ख्वातीन का सेपरेट इंक्लोजर बनाया गया है और इस मरतबा उसकी एंट्रेंस पे नजर रखी गई है ताकि आप एक इज्जतदार तरीके से, बड़े सिक्योर तरीके से आके अपने कायद की बात सुन सकें, आके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात सुन सकें। तो मेरी अपनी तमाम माओं को और तमाम बहनों को दावत है कि आप कल शाम को मगरिब के बाद कासिम बाग में शाम लाग के ग्राउंड में तशरीफ लाएं, इमरान खान साहब का जलसा सुने, इमरान खान साहब का बयानिया सुने और फिर सतारा को बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करें, इमरान खान के नजरिए को कामयाब करें और पाकिस्तान को कामयाब करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।